तो आज हम देख रहे हैं मेलिंक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके एक आईडी कार्ड को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया शेप में, और यहाँ से एक शेप बना लिया। सॉरी, शेप से नहीं बना रहा, मैं टेबल से बना रहा हूँ। तो यहाँ से दो कॉलम का मैंने एक इस तरह से टेबल ले लिया, उसमें ये ऊपर वाले रो को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसके बाद लिखने के बाद सिलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ से टाइटल कर दिया, और टाइटल करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे। ये हमारा एक सिंपल सा इसका डिज़ाइन हो गया। इसके फ्रंट साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करके मैंने 22 पर रख लिया। इस कार्ड के थोड़े से डिज़ाइन को थोड़ा इस तरह से भी स्क्यूज़ करा मैंने, और इसको यूज़ करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे रख लिया। यहाँ पर हमने इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा कम कर लिया, और यहाँ से क्लिक करके ये इस तरह से आगे कर दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज टू बी रोल नंबर, एक ले लिया इसका यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उसका फुल नेम लिख दिया। इनका फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसको 12 पर रख लिया, और इसके डेटा को सेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ सेंटर कर दिया, फुल नेम लिख दिया, और यहाँ पे उसके क्लास के बारे में लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक फेक डेटा इंटर कर दिया, रोल नंबर की जगह पे इस तरह से कोई नंबर डाल दी। फुल नेम की जगह पे हमने लिख दिया सपोज टू बी नूर फातिमा, और सपोज टू बी यहाँ पे क्लिक करके हमने क्या किया, एक क्लास के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज 6 क्लास। ओके, इसके बाद इसको एक डिज़ाइन वगैरह देना है हमने यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर दिया, सेलेक्ट किया इसको हमने यहाँ से, और सेलेक्ट करके हम उनमें गए, यहाँ से क्लिक करके इसको ब्लैक कलर का कलर हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया, और सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने, एक कार्ड का डिज़ाइन कर लिया। सेव कर दिया इस फाइल को, ब्राउज़ किया हमने यहाँ से, सेव कर दिया, ब्राउज़ किया हमने यहाँ से, और कहाँ सेव कर रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, और एक फोल्डर में जा रहे हैं, वर्ड फाइल्स के नाम से एक फोल्डर, उसमें चले गए, उसमें हमने इसको मेलिंग के नाम के फोल्डर के अंदर सेव कर दिया। तो जैसे मेलिंग्स में गए तो यहाँ पे हमें पहले से एक कार्ड मौजूद था, वो अपनी जगह सेव रहे, मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ नोवाइस कार्ड के नाम से। ठीक है, नोवाइस कार्ड के नाम से सेव कर दिया मैंने ये अपना कार्ड, और ओके कर दिया। ये मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, और ये यहाँ पे सेव है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ फाइल को, और आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ सेव किया। मैं गया डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से क्लिक किया वर्ड फाइल्स में, वर्ड फाइल्स में गया, मैं गया मेलिंग्स के अंदर, मेलिंग्स के फोल्डर के अंदर ये रहा मेरा वो कार्ड जो अभी मैंने बनाया था। ये भी सिर्फ सिंपल वर्ड की फाइल है, और यहाँ जो पहले जो फाइलें थी उनको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गई। अच्छा, अब आ गए दोबारा से, इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें करना ये है कि अब कितने स्टूडेंट के नाम पर ये कार्ड हमें इशू करना है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए स्टूडेंट्स का, यही रोल नंबर, फुल नेम और क्लास। तो वो डेटा कहाँ सेव करेंगे, वो आंसर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसके लिए, अब जाएंगे मेलिंग्स में, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपेंट्स पे जाएंगे, और यहाँ से करेंगे टाइप आ न्यू लिस्ट। क्या करेंगे, टाइप आ न्यू लिस्ट, और यहाँ पे क्लिक करके हम करेंगे कस्टमाइज कॉलम, और यहाँ पे जो पहले से एंट्रीज हैं चाहें तो उनको रहने दें, जो इस्तेमाल किए उनको इस्तेमाल कर लें, बाकी खाली रहने दें, चाहें तो एक एक करके डिलीट कर दें। इस तरह से एक एक करके डिलीट कर दें। इस काम को अगर थोड़ा तेज़ करना है तो उसका तरीका यह है, डिलीट की शॉर्ट की है डी दबाएं, और यस की शॉर्ट की है वाई, देखिए इसके नीचे अंडरस्कोर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई जल्दी से डिलीट हो गया। सही, वैसे भी वाई है जब वो यस और नो के बटन आते हैं ना, तो वाई के नीचे जिसके नीचे अंडरलाइन होगा वो उसकी शॉर्ट की होती है। अब यहाँ से इसको रीनाम कर दें। अब हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, एक चाहिए रोल नंबर, दूसरी ऐड कर लें न्यू फील्ड, इसकी चाहिए फुल नेम, तीसरी चाहिए हमें इसके अंदर क्लास की फील्ड, ये ऐड कर दें, उसको ओके कर दें। ये तीनों फील्ड आ गई है, उसके अंदर आप किसी भी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा पुट करें, जैसे रोल नंबर है 411-21-23, और इसका नाम है सपोज टू बी कोमल अली, और क्लास हम उसकी कर देते हैं मैट्रिक। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं सपोज टू बी न्यू, एक दूसरा नंबर डाल देते हैं इसके अंदर दीप अली, और उसके भी कर देते हैं क्लास इंटर। ठीक है, यहाँ से एक और स्टूडेंट ले लेते हैं सपोज टू बी, यहाँ पे हम डाल देते हैं रेहान हैदर, और इसका कर देते हैं उसका मैट्रिक कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी हम तीन का डेटा डाल लें, बाकी का ऐड करेंगे। सर हम एन दबाएंगे तो न्यू एंट्री जल्दी आ जाएगी। हाँ, ये एन दबाएंगे ऐसे नहीं, अब जब नीचे कमांड से होते हैं ना फिर ऑल्टर के साथ चलते हैं, उसको ऑल्टर एन दबाएंगे तो फिर ये आएगा। अब ये बटन्स जो नीचे आ रहे हैं वो पॉपअप का सामने आता है तो वो डायरेक्टली काम करता है, लेकिन जो नीचे कमांड बटन होते हैं उनके नीचे जिसके नीचे अंडरलाइन आ रही है उसको ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, तो हमसे कहेगा कि भाई ये लिस्ट कहाँ सेव करनी है।
जो लिस्ट बनाई है ये कहाँ सेव करनी है, पहले फाइल सेव की थी, अब ये लिस्ट का पूछ रहा है। लिस्ट वहाँ सेव करनी है जहाँ आपने फाइल सेव की है, याद रखनी है बात। तो मैं कहाँ सेव की थी, डॉक्यूमेंट्स में जाके, यहाँ से जाएंगे वर्ड फाइल्स में, यहाँ से जाएंगे हम मेलिंग्स में, और उसमें जाके ये हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को सेव कर रहे हैं, और इसका नाम हम रख रहे हैं नोवाइस एसटीडी लिस्ट, और इसको सेव कर दिया। अब आप देखें फोल्डर के अंदर ये सेव हो गई फाइल, इस फाइल को हम कहते हैं डेटाबेस फाइल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनी है। सर ये दो आई, एक इसकी टेम्प्ररी फाइल है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो अब उस डेटा को यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे, लिस्ट के डेटा को, तो जो फील्ड्स आपने बनाई थी वो आपको यहाँ पे रखनी है जहाँ पे आपने ये फर्जी डेटा लिखा था। अब क्या करेंगे, इस डेटा को आप चाहे तो क्लिक करके डिलीट कर दें, और वो फील्ड्स यहाँ लाने के लिए आप जाएंगे मेलिंग्स के अंदर, और जाने के बाद क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो तीनों फील्ड्स आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो पहली फील्ड आप कौन सी लेंगे, रोल नंबर, तो यहाँ रोल नंबर आ जाएगा। दूसरी फील्ड आप कौन सी लेंगे, सेलेक्ट करके, वहाँ फ्यूल नेम आ जाएगा। तीसरी फील्ड आप कौन सी लेंगे, उसकी क्लास, तो वहाँ क्लास लिखा आ जाएगा। अब देखें ये है आपका नॉर्मल टेक्स्ट, और ये है आपकी मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे ग्रे होगी, और दोनों साइड पे ग्रेटर देन और लेस देन होंगे, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको भले आप डिलीट कर दें, दोबारा लिखने क्या है, इनके अंदर है डेटा। अब डेटा को विजिबल कैसे करेंगे, डेटा को विजिबल करने के लिए यहाँ मेलिंग्स के ऊपर आएंगे, यहाँ एक प्रीव्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखें डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे, दूसरे का डेटा आ जाएगा, तीसरे का डेटा आ जाएगा, चौथे का डेटा आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट पे चले जाएँ, यहाँ से लास्ट पे चले जाएँ, यहाँ से प्रीव्यू को ऑफ कर लें। मज़ीद डेटा ऐड करना है, अब जितनी बार भी डेटा ऐड करना है आपने उसको हर दफ़ा क्या करना है, यहाँ से एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट करना है और एक दफ़ा एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेटा सोर्स लिखा हुआ आएगा, डेटा सोर्स में आपका जो है लिस्ट का नाम होगा, और यहाँ से उसको आप क्या करेंगे, एडिट, और दूसरे एडिट और न्यू एंट्री करें यहाँ पे सपोज टू बी, और यहाँ पे लिखने के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे, तो जैसे यस करेंगे, ओके करेंगे, ये डेटा अपडेट हो जाएगा लिस्ट में। आप दोबारा प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, अब ये आपका काम बन गया। अब जितनी बार आपको डेटा डालना है, अगर आप इस फाइल को बंद भी कर देंगे सेव करके, कोई मसला नहीं है। आप उस फोल्डर में जाएंगे अपने, तो ये वर्ड की फाइल है, ये डेटा की फाइल है, इसको आपने नहीं खोलना है। जब भी आप वर्ड की फाइल को खोलेंगे तो ये आपसे हमेशा पूछेगा क्या मैं उस डेटा की फाइल से कनेक्ट हो जाऊँ, तो आप कहेंगे यस कनेक्ट हो जाओ। तो अब आप उसके अंदर जब भी नया डेटा डालेंगे तो मेलिंग्स में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, और जो भी चेंजेस करनी है यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ओके करते हैं, इससे बाहर आ जाएं, क्लोज कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो हो गया, मामला सेट हो गया, हमें यहाँ पे रिजल्ट भी नज़र आ रहा है, सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी नज़र आ रहे हैं, अलग अलग कार्ड कैसे बनेगा सर? अलग अलग कार्ड बनाने के लिए जो इसमें ट्रिक है वो ये है कि आप यहाँ से जाएंगे फिनिश एंड एडिटिंग में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा ऑल या फिर आप करंट रिकॉर्ड का चाहते हैं। ऑल का मतलब ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, एक है या 1000 हैं, उन सबका अलग अलग बनाएगा, और करंट का मतलब है कि जो नंबर आपका यहाँ पे सेट है सिर्फ उसका ही कार्ड बनाएगा, और फ्रॉम का मतलब है कि आप कहते हैं 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 7 तक, 8 से लेके 10 तक जितने हैं उनका बनाएगा, तभी हम कहते हैं ऑल। जैसे हम ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो अभी 7 कार्ड बन जाएंगे, लेकिन वो ऐसे बनेंगे कि अभी देखिए हमारी फाइल खुली है नॉइस कार्ड्स, ये हमारी ओरिजिनल और सोर्स फाइल है। ओके करने पे एक और वर्ड की फाइल बनेगी, उसका नाम ये रखेगा लेटर 1, और उसके अंदर सबके कार्ड रख देगा। ये देखिए इसने बना दी एक फाइल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इस फाइल का उस फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस फाइल का बनने के बाद उस फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो उसको अलग से सेव करके रख लें, नॉर्मल वर्ल्ड की फाइल है, इसका डेटा से या उस लिस्ट से कोई ताल्लुक, अगर सर हम इसमें अगर एक कार्ड बनाए तो वो डेटा नहीं आएगा, ये अलग होगी। हाँ ये अलग है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर कोई फर्क नहीं। आप इसको बंद कर दें, भले सेव ना करें, आप जितनी बार कहेंगे ये आपको बना के देगा, फिर बना देगा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे, तो आप इधर चेंज करेंगे सोर्स फाइल में,
चेंज करने के बाद हाँ सेव करेंगे, फिर आप जब जाके इसको कहेंगे माइनिंग्स में जाके, तो आप देखिए आपको वैसे ही बना के देगा। समझ में आ रही है बात? Yes, अब जो फाइल प्रोड्यूस होगी उसको आप सेव करके किसी को भेजना है, प्रिंट करना है, अपने रिकॉर्ड में रखनी है, रख लें, और ये अपनी ओरिजिनल फाइल हमेशा अपने पास संभाल के रखें। इस पे जब भी चेंजेस करेंगे, नए स्टूडेंट आ गए फिर नया डेटा डाला उनके बना दिए, और नए स्टूडेंट आ गए फिर नया डेटा डाला उनके बना दिए, तो एक तो एक्स्ट्रा छोटा मोटा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा ये, जो आपको हमेशा ये हेल्प करता रहेगा हर चीज़ को करने में। सही है, समझ में आ गई ये बात? तो इस तरह से यह मेलिंग के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। अब है थोड़ा टेक्निकल, लेकिन करके देखो हो रहा है आप लोगों से या नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ। अच्छा अच्छा ये एक एक करके ऑन करना कंप्यूटर ना, जनरेटर पर जरा एक साथ करते हैं तो वो आज की टीम है।